खबर रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर मनगवा चाक घाट राष्ट्रीय राजमार्ग में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल रीवा तरफ से जा रहा यूरिया लोड ट्रक सड़क के किनारे खड़ी चार बसों को टक्कर मारते हुए दुकान में घुस गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी घटना टल गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और वाहनों को सड़क से किनारे कराया है। ट्रक ने जिन चार बसों को टक्कर मारा है उनमें MP17P0672, MP17P0685, MP17P0647, MP17P214 हैं। घटना गढ़ थाना क्षेत्र के कलवारी में हुई है। घटना सड़क के किनारे खड़ी वाहन और ओवरटेक करने के चक्कर में हुई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या जानकारी दी है। आगे ले। अच्छा वो जल्दी भूत के टाइम लगा है ना, फिर भूत क्या टाइम लगती है। प्लाई है, अंडर लोड ही हुई प्लाई। ये गाड़ी यहाँ उतर ही रीवा तरफ से। हाँ रीवा तरफ से, इलाहाबाद तरफ से। नहीं नहीं वही तो दोनों गाड़ियाँ रीवा से आ रही है। वो गाड़ी रेस थी, ये भी रेस थी, ये उसको बचाने के लिए सीधे घुस गई इधर। हम बिहार के रहने वाले हैं। मैं यहाँ करीब लगभग 30-32 साल से हमारी मोटर खाद वाली गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें नियंत्रित होकर के उसने नींद में था या क्या था वही बताएगा, उसमें मारा है। गाड़ी उसकी अनबैलेंस हुई, आगे जाकर के 2-3 बस से उड़ा दिया। एक बिहारी टायर वाला था, वो बाल बाल बच गया। भगवान मोहम्मद अरशद है, उर्फ लंबू मिस्त्री। और बहुत भीषण दुर्घटना है। आए हम लोग बीच बचाव मकान वाली गाड़ी किस एरिया वाली है? रोड पर खड़ी गिरा हुआ है, गिरा है यहाँ पर खड़ी। आगे बस दे रही उसी के मुझसे। ग्राम पंचायत है कलवारी है। कलवारी में आज सुबह है 5:30 बजे भीषण ट्रक हादसा हुआ। किसी व्यक्ति के हताहत और दुर्घटना होने की जानकारी प्राप्त नहीं हो सक रही है। रीवा तरफ से ट्रक आ रहा था UP70FT7447, जो कलवारी मोड़ के आगे चार बसों को ठोकर मारते हुए ढाबे में घुस गया। जिन बसों को क्षतिग्रस्त किया गया है उसमें MP17P0672, MP17P0685, MP17P0641, MP17P0314, ये वाहन क्षति हुई है। ट्रक सीधे जाके गाड़ी के अंदर घुस गया है। टायर की दुकान, ये तेज गति से वाहन निकलने का मेन कारण इस ट्रक के आगे नफीस बस थी। बस को बचाने के लिए सीधे ट्रक ने अनियंत्रित होकर घुस गया। जो स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि चाक घाट नारीवारी में 6 बजे से भारी वाहनों की नो एंट्री लग जाती है, जिससे ट्रक तेज गति से निकलने का प्रयास करते हैं और क्रॉसिंग के दौरान दुर्घटना घटित होती है। आज बड़ी घटना नहीं घट पाई, लेकिन चार बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये ट्रक जो है FT7447, ये रीवा से जो है प्लाईवुड लेकर के आ रही थी। इसके आगे एक बस आ रही थी, जो बस भी काफ़ी तेज थी और इसके पीछे ट्रक थी। जो बस को बचाने के चक्कर में खड़ी गाड़ी में ठोकर मारते हुए जो है 5-6 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो पलट गई हैं ठोकर से? इसमें 2 बस हैं जो पलट गई हैं और 2 बस जो ठोकर मारे हैं वो खड़ी हुई है और जर्जर हालत भी हो गई है। ये नंबर है ना बस का? नंबर है MP17P0672, MP17P0685 और MP17P
03-14-214 अभी तक तो चेक करने पर कोई व्यक्ति यहाँ बस में नहीं है, बस खाली थी, सुबह सुबह का समय था, कोई बस के अंदर बैठे नहीं थे, इसलिए अभी कोई हताहत हुआ कोई जानकारी नहीं।